काफी सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इंजीनियरिंग के अंतर्गत कई सारे ट्रेड उपलब्ध होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और सिविल इत्यादि। सिविल इंजीनियर भी इंजीनियरिंग का एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेड होता है, जिसमें लाखों विद्यार्थी दाखिला लेते हैं और ऐसे में उन्हें एक सिविल इंजीनियर की सैलरी के बारे में सही आइडिया होना बहुत जरूरी है। सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। हे गाइस, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं क्लोजली स्टडी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग प्रोफेशन की एक ब्रांच होती है। यह एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग पोस्ट होती है। एक नियमित कोर्स करने के बाद ही आप प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग, घर, सड़क, बांध, नहर, एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और मेंटेनेंस के बारे में सिखाया और बताया जाता है। एक सिविल इंजीनियर के द्वारा व्यक्ति जान पाता है कि खाली प्लॉट पर घर एवं बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आप यह भी सीखेंगे कि घर का डिजाइन कैसा होगा और कितने कमरे होंगे, बाथरूम, किचन, हॉल कहाँ पर होगा, यह सभी। बिल्डिंग बनाने की शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी जानकारी सिविल इंजीनियरिंग को सिखाई जाती है। और इसी के साथ ही आप सिविल इंजीनियर दो तरीकों से बन सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो डिप्लोमा के थ्रू आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, जिसमें आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं, और सेकेंडली आप बनते हैं बीटेक के थ्रू, जहां पर आप सीनियर सिविल इंजीनियर बनते हैं। सिविल इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में सिविल इंजीनियर की एवरेज सैलरी, बिल्कुल शुरुआत में सिविल इंजीनियर की महीने की तनख्वाह जो होती है 20,000 से लेकर 50,000 के बीच रहती है। और जैसे जैसे अपने काम के क्षेत्र में एक्सपीरियंस मिलता है, वैसे वैसे उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। काम में अनुभव होने के बाद एक सिविल इंजीनियर की तनख्वाह काफी अच्छी खासी हो जाती है। अगर एक सिविल इंजीनियर अपनी टीम के साथ काम करता है तो उनको लाखों के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिनमें उनको काफी ज्यादा मुनाफा भी होता है। एक सिविल इंजीनियर की सैलरी एनुअली बात करें तो शुरुआत में जैसे कि उनको 3 से 6 लाख का सैलरी जो है एनुअली पैकेज मिल सकता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स करने में छात्र को 1 से 2 साल का समय तो लग जाता है, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर की सैलरी दो तरीकों पर निर्भर करती है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अगर आपकी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाती है तो इसमें आपकी एवरेज सैलरी 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक मंथ रहती है, और इसकी सैलरी और कंपनी पर भी निर्भर करती है। जैसे कि आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती है। इसी के साथ ही अगर डिप्लोमा इंजीनियर बनने के बाद अगर आपके प्राइवेट सेक्टर में एज अ सिविल इंजीनियर जॉब लगती है तो आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में एवरेज सैलरी 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहती है, और जैसे जैसे आपका फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिविल इंजीनियर की प्राइवेट सेक्टर में भी जो जॉब है वो सैलरी जो होती है वो कंपनी पर निर्भर करती है। इसी के साथ ही बात करें बीटेक सिविल इंजीनियर की, तो यहाँ पे आप सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको स्नातक की डिग्री करनी होती है, अच्छे स्तर की जॉब पा सकते हैं, यानी कि सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी सैलरी जॉब कैटेगरी पर निर्भर करती है, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में। यदि बीटेक का सिविल इंजीनियर की अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं तो ऐसे में यदि आपकी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में होती है तो आपको स्टार्टिंग में 50,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी मंथली होती है, और यह आपकी कॉन्फिडेंस स्किल्स पर भी निर्भर करती है। अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। यदि बीटेक करने के बाद आपकी एज अ सिविल इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगती है तो आपकी स्टार्टिंग में यहाँ पे एवरेज सैलरी 25,000 से लेकर 35,000 तक होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी आपके स्किल्स के साथ बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, और वीडियो को कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल के साथ बने रहे ताकि ऐसे ही जानकारी की वीडियोस आपको मिलते रहे। और हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।